কৈলাসহর হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সহ বহু সামাজিক সংগঠন এক বিক্ষোভ র্যালি করে শনিবার। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এই মিছিলের অনুমোদন নেওয়া হয়। কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসক তাদেরকে অনুমতি দেন। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর আগেও মশাল মিছিল করেছে কৈলাসহর। শনিবার বিকেল 5 ঘটিকায় এই র্যালি শুরু হয় কৈলাসহর শ্রীরামপুর ব্রিজ থেকে। প্রথমে বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল এসে জমায়েত হয় শ্রীরামপুর ব্রিজ এর কাছে। তারপর এই মিছিল গোবিন্দপুর হয়ে আসে নেতাজি চৌমুহনি থেকে পায়তুর বাজারে চলে যায়। পায়তুর বাজার বিদ্যানগর স্কুল মাঠে জমায়েত হয়। जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, दुर्गा माता के पंडालों को तोड़ा गया, माताओं बहनों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया गया बांग्लादेश के अंदर, वह हिंदू समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम मरने को मरने और जीने को खेल समझता है, मरना जीना हमारे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान के अंदर हिंदू बड़ा आराम से रहता था, ना तो वह धन में कम था ना बल में कम था, सबके अपने अपने काम धंधे बहुत अच्छे थे, अपने अपने बड़े बड़े मकान था, लेकिन हिंदू समाज संगठित नहीं था। वहां से हमको छोड़कर आना पड़ा। कारण क्या? हिंदू समाज संगठित नहीं था। अब हिंदू समाज ने संगठित होना सीख लिया है। हिंदू समाज संगठित होकर जवाब देना भी जान गया है। जिस समय देश के ऊपर मुगलों का राज था, मुगलों ने पूरा प्रयास किया तलवार के बल के ऊपर कि हिंदू समाज को समाप्त किया जाए, सनातन धर्म को समाप्त किया जाए, लेकिन मुगल कभी भी उसमें सफल नहीं हुए। कोई ना कोई वीर योद्धा हर समय उनके साथ युद्ध लड़ता रहा। आज भी चमक दिखाने वाली है, इसलिए बांग्लादेश सरकार कान खोलकर सुन ले कि हिंदू समाज प्रतिकार करने के लिए तैयार है, और भारत सरकार को भी चेतावनी देता है और बांग्लादेश सरकार को भी चेतावनी देता है, अगर बांग्लादेश के अंदर ये नरसंहार नहीं रुका तो हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है।